हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जगदीश चंद पांडे। आज हम पढ़ेंगे एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है इफेक्ट इफ़ आई हैड माय वे, अगर मेरा बस चलता या फिर अगर मेरा बस चला होता। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में बोले जाते हैं, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह से मारता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता, अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता, अगर उनका बस चलता तो वो हमारी मदद ज़रूर करते। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे। रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो माई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज वे हो जाएगा, अगर आई है तो माई वे हो जाएगा, शी है तो हर वे हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो देयर वे हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो योर वे हो जाएगा। तो जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह से मारता, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। यहाँ पर जो ब्रूटली है इसका मतलब है बुरी तरह से या बेरहमी से। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू एट ऑल इन दिस पार्टी। अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता, इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड लर्न इंग्लिश। अगर उनका बस चलता तो वो हमारी मदद ज़रूर करते, इफ़ दे हैड देयर वे दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।